नोटिफिकेशन आने के बाद यूजुअली ये समझा जाता है कि भाई 180 दिनों के अंदर अंदर एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो शेड्यूल बना ही नहीं पाते, उनको ऑर्डर करना नहीं आता कि किस चीज को कितना समय देना चाहिए, कब देना चाहिए, किनको क्लब किया जा सकता है, किनको अलग अलग तैयार करना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है। आपकी हेल्प के लिए मैं एक 180 दिनों में तैयारी कैसे करेंगे एक वीडियो मैं इस वक्त बना रहा हूँ। और इसमें बेसिकली हमारी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, जो जिस तरीके से हम लोग आपका टेस्ट लेने वाले हैं, कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि वो टेस्ट सीरीज जैसा कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो शुरुआत से लेकर अंत तक पहले मैं बता दूं कि 20 टेस्ट होंगे, सभी टेस्ट को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है आपको, यानी कि एक टेस्ट को आप 3 बार दे सकोगे। ये एक हमारी टेस्ट सीरीज की खास बात होती है। पहला टेस्ट 10 नवंबर को सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो यूनिट है, मेरे ख्याल से सिलेबस की पीडीएफ सभी के पास है, और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप अबाउट क्लासेस में जाएं और वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर लें, कॉपी पेस्ट जो करना चाहें आप कर लें। पहली जो यूनिट है वो आपका सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका प्लांट और एनिमल एनाटोमी, उसके बाद आपका टेक्निक्स इन बायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी। ये मजे की बात है, 2 यूनिट्स हैं पीजी सेक्शन में। मुझे नहीं पता माइक्रोस्कोपी को उन्होंने अलग क्यों रख रखा है, दूसरी टेक्निक्स है, जाहिर सी बात है वो थोड़ा वेटेज ज्यादा देना चाहते होंगे, पर इसका पूरा का पूरा देना है। फिर आपको एनवायरमेंटल बायोलॉजी 12th लेवल की, और इसके ठीक बाद जो पीजी लेवल पर आपका इकोसिस्टम से लेकर और बायोडाइवर्सिटी तक का सारा मामला है, जिसमें राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी को भी आपको फोकस करना है, वो सब कुछ यहाँ आएगा। एनिमल फिजियो इसके 10 दिन बाद है। 10 10 दिन के गैप पर मैंने आपको एक टारगेट दिया है कि इन दिनों में आपको ये पूरी की पूरी यूनिट साफ कर देनी है, और इस प्रकार से आपको टारगेट रखना है कि आपका जो सिलेबस हो वो कम से भी कम अप्रैल 20 तक सब कुछ फिनिश हो जाना चाहिए। हम में से किसी को भी नहीं पता एग्जाम कब होगा, लेकिन मेरा कहना है कि अप्रैल तक अगर आप सिलेबस एटलीस्ट एक बार फिनिश कर लेते हैं तो ये एक बोनस टाइम होगा। अगर माना कि अक्टूबर 2025 में एग्जाम हो रहा है, मान लेते हैं कुछ भी, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर 6 महीने आपका बोनस टाइम होगा कि आपने एक बार सिलेबस कर लिया और आप दूसरा तीसरा या चौथा रिविजन कर रहे होंगे, और ऑब्वियसली बात है उस बोनस टाइम में जीके के ऊपर भी उतना ही फोकस कर रहे होंगे। लेकिन अगर एग्जाम मई में हो गया तब भी ये शेड्यूल बहुत शानदार वाला है, आपके बहुत काम आने वाला है। एंड जो कर रहे हैं अपन 17वें नंबर का टेस्ट, उसमें आपका इथोलॉजी और बायोस्टेट से बीच में 2 ग्रांड टेस्ट है यहाँ पर और यहाँ पर। ग्रांड टेस्ट का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक की पूरी चीजों का आप 10 दिन में एक बार फिर रिवाइज करोगे। इस वाले ग्रांड टेस्ट के लिए यहां से लेके यहां तक का सब कुछ रिवाइज करोगे, और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो आप मई में दोगे उसमें आप पूरे पूरे सिलेबस का एक प्रॉपर जो तरीका होता है एग्जाम का, उस तरीके से आप टेस्ट देने वाले हो। क्या चीजें होंगी, कैसे चीजें होंगी, उसके लिए आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, हम आपको एक वेबिनार में इनवाइट कर लेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नॉर्मल कॉल नहीं किया जाता, हम लोग सीधे सीधे इन्विटेशन नहीं देने वाले आपको। इनके बारे में और भी डिटेल में अगर आपको डिस्कस करना है तो इसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा। लेकिन कुछ बातें जो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, आप में से कई लोगों का जो संशय है वो है कि मैं कोचिंग करूं या सेल्फ स्टडी, एक तरह का प्रश्न, मैं ऑफलाइन कोचिंग करूं या ऑनलाइन कोचिंग, कौन सी सही रहेगी, बड़ा कंफ्यूजन है इस बारे में। मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या तैयारी हो जाएगी क्या, बड़ा गजब का कंफ्यूजन है। मेरे को नोट्स मिल जाए तो क्या सेल्फ स्टडी करके मैं सबको रट्टा मार लूं तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या, क्योंकि लोग सवाल बड़े गजब गजब के करते हैं, क्या सारे के सारे क्वेश्चन आप ही के नोट्स में से आने वाले हैं क्या? नहीं यार भाई, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा घर पे बुलडोजर चल जाएगा। ठीक है, कोचिंग करूं या सेल्फ स्टडी, इस क्वेश्चन में मैंने 2 तरह की कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया है। एक वो जिनको सेल्फ स्टडी पर ही फोकस कर लेना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कोचिंग में पैसे भी व्यर्थ होंगे और ऊर्जा भी जाएगी और समय भी जाएगा। अगर आपने तैयारी आज तक शुरू नहीं की और आप पहली बार शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कृपा करके सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग ना करें, क्योंकि जो कोचिंग में कोई भी व्यक्ति किसी को भी आप ज्वाइन करें वो फटाफट फटाफट एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा करने की कोशिश करेगा। आपको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है तो प्लीज कोचिंग मत कीजिए, सेल्फ स्टडी कर लो। आपको एटलीस्ट, चूंकि आपने अभी तक एक बार भी परीक्षा नहीं दी, आपको आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कि 12th लेवल का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन का लेवल का मतलब क्या होता है, पीजी लेवल का मतलब क्या होता है, तो भी प्लीज आप कोचिंग ना करें, क्योंकि आपको वो सामने वाला आराम से बेवकूफ बना देगा। वो कोई बाबा ज्ञानी ज्ञानानंद और जो मूर्खानंद और 3 4 और नंद, 3 4 तरीके से लगेंगे और आपको लगातार बेवकूफ बनाएंगे। आपको कभी पता नहीं चलने वाला कि आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पीएमटी की किताब में से, नीट की किताब में से पढ़ाया जा रहा है। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि जो
एल्गी फंजाई ब्रायफाइट जिम्नोस्पर्म में 12th लेवल का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन लेवल का मतलब क्या होता है, तो आपको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, तो बेहतर है आप कोचिंग ना करें। आपके पास बजट नहीं तो जाहिर सी बात है कोचिंग नहीं करोगे, आपके पास टाइम नहीं है और आपका बार बार ये कहना है कि नहीं जीके भी तो है, जीके की कोचिंग करो, बायो की कोचिंग मत करना। आपने जीके की कोचिंग ज्वाइन कर रखी है और 8-10 घंटे वाली कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो आपके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी, पढ़ने की तो बहुत आगे की बात है। फिर बायो की कोचिंग को भी टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ टाइम देना पड़ेगा, तो कृपा करके इस टाइप के लोग बायो को तो एटलीस्ट सेल्फ स्टडी के साथ ही अपनाएं। कोचिंग किसको करना चाहिए, आपको पता है क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो आप कोचिंग जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आपके पास एक विजन होगा कि यस मुझे सिलेक्शन निकालना है। आपको परीक्षा एकाध बार दे दी है, आपको पता है कि यार वाकई में नीट का मटेरियल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रॉपर सलीकेदार व्यक्ति से आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, आपका जीके पूरी तरह तैयार है, तो मैं भी आपको इनविटेशन दूंगा, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस अगर आपका जीके तैयार है तो, क्योंकि 40% का मामला तो सबको लाना ही लाना है जनरल में, और 35% आपका कैटेगरीज में। आपका सब कुछ पड़ा हुआ है और आपका एक शेड्यूल बन जाए, और बस कैसे भी करके आप एक बार कोर्स पूरा कर लो। उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये वाला शेड्यूल आपको दिया है, आप इसको आप स्टिल करके जो मैंने शुरू में बताया था उसको आप एक बार लिख लें कि यार मेरा टारगेट ये है, इस तारीख तक मुझे सब कुछ फिनिश करना ही करना है, मामला बैठेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, जबकि मैं आपको शायद जानता भी नहीं हूं। आपको आता जाता सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये समझने में आपको बार बार दिक्कत हो रही है। आपको पता है सिलेबस क्या है, आपको पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है, प्लांट हार्मोन कैसे काम करते हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप कंफ्यूज जाते हो, क्वेश्चन नहीं बनते आपसे, जब आप किताबें सोल्व करने बैठते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको चीजें याद करते हो और भूल जाते हो। अगर ये बीमारी है तो वी आर द बेस्ट पीपल, हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट कोचिंग जरूर कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपको प्रैक्टिस करवाएगा, और टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करने में गलतियां कम से कम कैसे हों, गलतियों पर काम कैसे किया जाए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो आपको कोचिंग करना चाहिए। हमारा एक कॉम्बो कोर्स है जो कि अनलिमिटेड टिल एग्जाम हम लोगों ने 2023 से शुरू किया था, जो लोगों ने ज्वाइन किया वो बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए, लोगों को मजा आ गया, इट वाज अ गुड डिसीजन। अभी भी हमें नहीं पता एग्जाम कब है, तो हम वापस से अनलिमिटेड टिल एग्जाम तक का ये ऑफर देंगे। क्या ये ऑफर है, कैसे ये काम करेगा, इसके लिए भी हमने एक वेबिनार रखा है। इस पूरे के पूरे अनलिमिटेड कोर्स के 5 सेक्शन है, लाइव ऑनलाइन क्लास मैं ऑफलाइन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कोर्स पूरा नहीं करा सकता, मैं जानता हूँ इस चीज को, ऑफलाइन में मैं कोर्स पूरा नहीं करा सकता, इतना टाइम ही नहीं है, उसके लिए कम से कम 12 महीने चाहिए बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए। रिकॉर्डेड क्लासेस इसके अंदर ही होती है, इसी कॉम्बो कोर्स के अंदर। चिड़िया आउट सेशन जो एक यूनिक चीज है, जो हम लोग बहुत अच्छे से इसको चला रहे हैं, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मतलब मिल जाएगा कि क्या होता है चिड़िया आउट सेशन। उसके अलावा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज, ये 5 चीजें आपके कॉम्बो कोर्स के अंदर होती है, लेकिन आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा यार कोचिंग ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि सारा जमाना तो ऑफलाइन कोचिंग में जा रहा है और आप ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हो। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन बताता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में, क्या कंपैरिजन मेरे लिए। ऑफलाइन कोचिंग अगर आपके घर में पढ़ने का माहौल नहीं है तो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, ऑब्वियसली ऑनलाइन से नहीं बैठेगा, क्योंकि फिर मम्मी को लगेगा कि यार स्क्रीन में तो देख रही है, जा थोड़ी देर काम कर ले, थोड़ी देर उठ जाने में क्या जाता है, उनको नहीं समझा सकते, वो उनका अपना ठीक है माइंड मेकअप है कि 5 मिनट उठ जाने में पूरा तारतम्य टूट जाता है, नहीं समझाया जा सकता। आप घर से निकलिए और आराम से किसी 5-10 घंटे वाली कोचिंग में बैठ के काम करो। आपको लिखकर नोट्स बनाने की आदत है, इसका मतलब भी मैं बताऊंगा कि क्या लिखकर नोट्स बनाना मतलब होता है। आपको जयपुर में रहना, अगर हमारे जयपुर में किसी भी कोचिंग को आके आप ज्वाइन करते हो, जिस भी शहर में, वो एक अफोर्डेबिलिटी होती है, क्योंकि 6,000 से लेकर 10,000 तक पर मंथ का आपका खर्चा होता है। टीचर को ऑफलाइन देखेंगे तभी जाकर हम उस हमको मोटिवेशन आएगा, क्योंकि हमारा तो सेल्फ मोटिवेशन कम है, जब तक गुरुजी हमसे गाली नहीं देंगे, गुरुजी हमें धक्का नहीं देंगे, हम नहीं पढ़ सकते। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन में ये सब कुछ नहीं संभव है। कोर्स आप सिर्फ धीमे धीमे कर सकते हो, आपसे मैं कहूँ 10 दिन में फटाफट यूनिट खत्म कर लो तो आपको कि ना मुझे तो 1 महीना लगाना है, ऐसे व्यक्ति हो तो प्लीज ऑफलाइन करो, कोई मतलब नहीं ऑनलाइन करने का। ऑनलाइन किसको करना चाहिए फिर, यार ऑनलाइन बड़ा खतरनाक मामला है, ऑफलाइन का जितना आपके पास टाइम नहीं, या फिर आपने ऑलरेडी ऑफलाइन एक ज्वाइन कर रखी है, वहां पर 4-5 घंटे लग रहे हैं, तो फिर आप ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि वो 4 घंटे एक जगह, 4 घंटे एक जगह तो पढ़ोगे कब भाई, पॉसिबल नहीं है। मैप नोट्स पर आपकी निर्भरता है, आपको लिखकर नोट्स नहीं बनाने, अब इसका मतलब मैं आगे बताने वाला हूँ। आप अपना शहर छोड़कर जाना आपके लिए एक महंगा सौदा है, तो भी आप प्लीज ऑनलाइन कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दुनिया में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में शेड्यूल बनाकर आप काम को जल्दी से जल्दी एफिशिएंट तरीके से खत्म करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि
20 अप्रैल तक तो आपको सब कुछ वाइंड अप कर देना है, तो आपको ये सब कुछ करना चाहिए ऑनलाइन। ये मैप नोट्स क्या होता है मैं बता दूं, ये होता है मैप नोट्स जहां पर हमने शब्दों को सिर्फ इशारों से समझाने का प्रयास किया। जैसे स्पीसिएशन आपका टर्म्स ऑफ दिस ये जो है एलोपेट्रिक सिम्पेट्रिक पैरापेट्रिक पेरिपेट्रिक, ये सिर्फ इशारों में समझाया गया है। एव्स के नोट्स मैंने किसी बच्चे के लिए थे, वो एक एक चीज लिख रहे हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी वायवीय प्राणी होते हैं, वायवीय वातावरण में पूर्ण रूप से अनुकूलित होते हैं। इतना लिखने का हमारे पास टाइम नहीं होता, जब हम लोग मैप नोट्स बनाते हैं तो ये मैप नोट्स होता है। इसमें सिर्फ इशारा होता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, क्योंकि वो जो कहानी लिखी थी वो हमने इवोल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ा दी है। इसमें चोच के बारे में क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, ये सब कुछ हमने इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं जब भी हम इसके फाइनल नोट्स बनाते हैं। ये होता है मैप नोट्स। जैसे ये वाला जो मैप नोट्स है ये पक्षी का ही है, एव्स का ही है। सो ये इस तरह की कोई चीज है, और भी आपकी ढेर सारी क्वेरीज हो सकती है। गूगल फॉर्म भरिए, हम आपको इनवाइट करेंगे बात करने के लिए। डिटेल में हमसे बात कीजिए और उसके बाद एक बार सोचिए कि ये 6 महीने का सारा मामला करना कैसे है। थैंक यू वेरी मच।